हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ आप लोगों के लगातार आ रहे एक जैसे कमेंट को लेके। तो आज उस चीज़ पे डिस्कस करने वाली हूँ मैं, और कमेंट ये है, बता दूँ मैं आप लोगों को, जो आप लोग एक ही टाइप के लगातार कमेंट कर रहे हैं, इसका मैं आंसर, मतलब इंस्टा पे भी वही सेम कमेंट आ रहा है और यूट्यूब पे भी वही सेम कमेंट आ रहा है कि मैम पहला तो आप लोगों का कि थ्योरी का रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, पहला कमेंट आप लोग का ये बार बार करें कि थ्योरी का, जब से आप लोगों ने थ्योरी एग्ज़ाम दिया है BHU BFA का, उसका कि रिजल्ट कब तक आएगा। एंड मैम, मैंने 30 क्वेश्चंस कर लिया है तो क्या मेरा क्रैक होने का चांसेस है, मैंने 40 क्वेश्चंस कर लिया तो क्या मेरे क्रैक होने का चांसेस है, ये क्वेश्चंस आप लोग बार बार पूछ रहे हैं। फिर से थ्योरी में अगर 200 में से लगभग कितना मार्क्स लाने पर प्रैक्टिकल में बैठने को मिलेगा, जो आप लोग का थ्योरी का जो 200 का मार्क्स हुआ, कितना मार्क्स लाएंगे कि आपको प्रैक्टिकल पर बैठने को मिलेगा, ऐसे कमेंट्स है। दीदी, रिजल्ट निकलने के बाद क्लास ज्वाइन करनी है। कुछ लोगों का मानना है कि जो मैंने ऑनलाइन, आप लोगों को पता है कि मेरी ऑनलाइन कोचिंग चलती है, तो कुछ लोगों का मानना है कि जो मैंने वीडियो डाला था कि अगर जो लोग चाहते हैं ऑनलाइन की प्रैक्टिकल की कोचिंग करना वो कर सकते हैं, तो लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट तो आने दीजिए फिर प्रैक्टिकल की कोचिंग करेंगे, पहले करके क्या करना है। तो आज मैं इन सब को ध्यान में रख के सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगी। फिर नेक्स्ट कमेंट है कि दीदी लगभग कितने नंबर पर पास हो जाएंगे। मेन पास को लेके बहुत ज़्यादा कमेंट है, कितने नंबर पर पास हो जाएंगे, इतने मार्क्स आए तो क्या हो सकता है, कट ऑफ कितना जाता है, कट ऑफ को लेके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। तो आज मैं ये सारी चीज़ों को लेके डिस्कस करूँगी ताकि आप लोगों का जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाए। और वीडियो को पूरा देखने से पहले प्लीज़ चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, साथ ही आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगी। इंस्टा की आईडी भी आपको स्क्रीन पे शो कर रही होगी। तो स्टार्ट करते सबसे पहले कि जो आप लोग ये पूछ रहे हैं कि मैम मेरे 40 क्वेश्चन सही किए क्या मेरा पॉसिबल है, या मैंने 35 क्वेश्चन सही किए क्या मेरा पॉसिबल है। तो पहला बात कि आपने 30-40 तो कर लिया, आप अपने हिसाब से, पहले तो आप आंसर्स की आने दीजिए। आंसर्स की से और ज़्यादा क्लियर होगा कि एग्जैक्ट आपने कितनी सही करे हैं। ठीक है, तो पहले आंसर किया नहीं, जब पता चला कि आपने सही करा फिर बाद में वो गलत हो जाए, तो अभी ना आंसर किया है ना क्वेश्चन सीट आया है। और आप लोग जितना वेट करो उतना मैं भी वेट कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी आए, ताकि आप तक मैं वो उस पर भी वीडियोज़ प्रोवाइड कर पाऊँ, एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, क्या एग्जैक्ट क्या आंसर होगा, एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन थे। सेकेंड है कि आप लोगों का कहना है कि 40 क्वेश्चन किया सही हो सकते हैं कि नहीं, तो ये डिपेंड करता है कट ऑफ पे, और कट ऑफ अब तक आया नहीं है। समझा दूं मैं कट ऑफ को लेके, कट ऑफ जैसे ही आंसर किया आएगा उसके साथ साथ एक कट ऑफ भी आ जाता है। ठीक है, तो आंसर की अभी आया नहीं है, आंसर किया आएगा तब कट ऑफ आएगा। मान लीजिए कट ऑफ, और कैसे देखना है कि जो कट ऑफ आया है उसके कट ऑफ के अंतर्गत मेरे मार्क्स आ रहे कि नहीं। तो मान लीजिए सपोज डेट कि अगर इस बार का कट ऑफ गया या 140 या 150 ज़्यादा, लगभग मैं एक एज्यूम कर लेते हैं कि 140 तक कट ऑफ गया जनरल वाले लोगों का। अगर आपका 140 से मार्क्स ज़्यादा आता है, 142, 145, 147, तो आपके चांसेस है प्रैक्टिकल में बैठने के लिए। वैसे ही मान लीजिए OBC का कट ऑफ 130 या 120 जाता है, उससे ज़्यादा आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा है प्रैक्टिकल में बैठने के लिए। और ST SC वाले लोगों के लिए 110 या 100 कट ऑफ जाता है और उससे ज़्यादा आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप बैठ सकते हैं, तो आपको प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो ये होता है कट ऑफ। तो कट ऑफ अब तक आया नहीं है, और जब तक कट ऑफ आया नहीं मैं नहीं बता सकती कि 40 क्वेश्चंस आपने सही करे तो आपको सिलेक्शन होने के चांसेस है या नहीं है। वो कट ऑफ आएगा फिर ही मैं आपके आंसर्स दे पाऊंगी। ठीक है, और मैं सबको, मैंने कमेंट में बोला भी इंस्टा पे भी, प्लीज़ कमेंट, ये सॉरी, कट ऑफ आने दीजिए, कट ऑफ अब तक आया नहीं है, और कट ऑफ तब आएगा जब आंसर की आएगा। तो ये हो गया कि कट ऑफ और आंसर की। अब बात करते हैं कि आप लोग जो ये मान रहे हैं कोचिंग को लेके कि रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आप अटेम्प्ट करोगे कोचिंग, तो यहाँ पे मैं बता दूँ, और साथ में आप लोग ये भी कह रहे हो कि प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, उस पर भी मैंने पर्टिकुलरली एक वीडियो बनाया था कि प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम कब होगा या थ्योरी का रिजल्ट कब आएगा। तो बता दूँ प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम, थ्योरी एग्ज़ाम होने के 20 डेज बाद होने का संभावना रहता है। ठीक है, 20 डेज 25 डेज, ठीक है, तो उतना लग जाएगा आपका। तो अभी है कि 28 को आपका थ्योरी का एग्ज़ाम हुआ है, उसके 20 डेज बाद यानी 18 अक्टूबर या 20 अक्टूबर को चांसेस है, उसके आसपास के चांसेस है आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने के, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने के 5 डेज पहले ही थ्योरी का रिजल्ट आता है।
तो सिंपल सी बात है कि जो आप लोग थ्योरी दिए उसके 6 डेज बाद ही प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है, या 5 डेज बाद, मतलब एक फिक्स नहीं बोल रही हूँ लेकिन एक अप्रॉक्स में कि हाँ इतना लगभग आपको लग जाएगा टाइम। तो अगर आप अभी से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, सपोज इट कि अब आप ये से नहीं पढ़ो, लास्ट टाइम पे आपका आपने देखा कि आपका थ्योरी क्रैक कर गया है और आपके पास सिर्फ 6 डेज बचे आपको प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस के लिए, तो फिर लास्ट टाइम में आप क्या ही सीख लोगे। तो बस यही कह रही हूँ कि मैं, अगर आप लोगों को ज्वाइन करना तो अभी से कीजिए, बाद में करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और बस यही दो चीज़, और आप लोगों का जैसे ही रिजल्ट आएगा वो सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी मेरे चैनल से, आंसर की आएगा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जैसे ही थ्योरी का रिजल्ट आएगा इन्फॉर्मेशन तुरंत दी जाएगी, प्रैक्टिकल के लिए जब कब एग्ज़ाम होना है प्रैक्टिकल का उसके लिए इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और जल्दी वीडियो भी आ रहा है प्रैक्टिकल पे, ड्राइंग पे जल्दी आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को लेके आपको सब चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और साथ ही एक बड़ी बात यहाँ पे मैं बता दूँ, ज़रूर सुनिए, आप लोगों की आ रही लगातार क्वायरी को ध्यान में रखते हुए मैसेज में हर चीज़ का जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाता, आप इतना नहीं समझ पाओगे, तो इसीलिए मैं कल आप लोगों के साथ लाइव जुड़ रही हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ लाइव जुड़िए, टाइमिंग मैं बता दूँ लाइव जुड़ने का 5 to 6 इवनिंग में, 5 से 6 के बीच में आप लोगों के साथ लाइव जुड़ रही हूँ। आप लोग की जो भी क्वायरी है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो मैसेज के थ्रू, मैं आप लोगों को जवाब दूंगी। तो जितने लोग भी जितनी भी क्वायरी है आप लोग लिख के रखो, जो भी है कल लाइव जुड़ रही हूँ मैं 5 से 6, जुड़िए मुझसे, जो भी क्वेश्चन पूछना है पूछिए, वहाँ पे मैं जितना ज़्यादा हो सके मुझसे मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग के सारे आंसर्स दे सकूँ। आज के वीडियो में इतना ही, आप आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अभी तो बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।